हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज मैं आपके लिए एक किडनी स्टोन की प्रॉब्लम लेके आई हूँ, जो कि ज़्यादातर अक्सर लोगों में किडनी स्टोन की बीमारी होती है। अब जब किडनी स्टोन की बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले आपको पीठ में गंभीर और तीव्र दर्द होता है, और पेट या उसके निचले हिस्से में दर्द का होना जो कमर तक बढ़ सकता है, या फिर आपको जी मचलना और उल्टी जैसा फील हो रहा है, और बार बार जो पेशाब करने की इच्छा हो रही है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है आपको, वो इच्छा हो रही है आपको, बुखार और ठंड लग सकती है, एंड कम मात्रा में पेशाब जो आ रही है, जिसके कारण आपको किडनी स्टोन हो सकता है। ये जो किडनी स्टोन होता है, किडनी स्टोन होने के बाद आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है और आप कम मात्रा में पानी पी रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि दुर्गंध युक्त पेशाब आपको आ सकती है और पेशाब के साथ आपको खून भी आ सकता है। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, उस हेल्थ प्रॉब्लम को आज हम डिटेल में सीखेंगे, जो कि उसमें किडनी स्टोन होता है। आज हम किडनी स्टोन के बारे में क्या सीखेंगे? इंट्रोडक्शन, कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो ये जो सारे चैप्टर्स है उसमें हम सीखेंगे कि सबसे पहले किडनी स्टोन के बारे में सीखेंगे, देन किस कारण से किडनी स्टोन बनता है, उसके लक्षण क्या है, उसके डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं, अगर किडनी स्टोन हो रहा है तो उसे हम प्रिवेंट कैसे करें, उससे बचाव कैसे करना है, और उसकी कौन कौन सी मेडिसिंस है जो कि किडनी स्टोन में ली जाती है। तो ये जो सारे चैप्टर्स हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर किडनी स्टोन पे। तो सबसे पहले हम जानें कि ये जो किडनी स्टोन है, ये एक हार्ट डिस्पोजिट फॉर्म में अवेलेबल है एंड छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में रहते हैं। तो ये जो स्टोन है वो बहुत पेनफुल होते हैं, जब भी आपके यूरिनेशन में पास होता है तब आपको पेन रहता है। अब ये जो किडनी स्टोन बन रहे हैं तो वो किससे बनेंगे? तो सबसे पहले ये जो किडनी स्टोन है वो आपको मिनरल्स एंड सॉल्ट से बनते हैं, जो कि हमारी किडनी में अवेलेबल रहते हैं, उसे हम गुर्दे की पथरी भी कहते हैं। अब हम और जानें तो किडनी स्टोन के कितने कितने टाइप्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला टाइप है कैल्शियम स्टोन। आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में, तो कैल्शियम जो स्टोन है वो इस तरीके से दिखता है। सेकंड नंबर पर है यूरिक एसिड स्टोन, ये जो स्टोन है वो यूरिक एसिड स्टोन है। थर्ड नंबर पर है स्ट्रुवाइट स्टोन, तो इस तरह से उसका शेप दिखता है, ये जो कलरेशन है इस तरह से उसकी मॉर्फोलॉजी दिखती है। एंड सिस्टीन स्टोन फोर्थ नंबर पर यहाँ पर है, सिस्टीन स्टोन। तो ये जो सारे स्टोन हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स हैं। अब कॉजेस के बारे में देखें कि ये जो किडनी स्टोन है वो किसके कारण बन रहा है, ऐसी क्या हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है, ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में किडनी स्टोन जमा होता है। तो सबसे पहले आप जो डेली रूटीन में हमें पानी पीना चाहिए, वो पानी आप कम मात्रा में पी रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल यूरिनेशन का येलो कलर है वो उसका कलर चेंज करता है। चेंज कैसे करता है कि जब भी हमारा यूरिन बन रहा है, जो हम पानी ले रहे हैं, तो डेली रूटीन की समय हमारी बॉडी से जो यूरिन पास होता है वो डाइल्यूटेड यूरिन रहता है। अब हम कम वाटर पी रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहेगा, उस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में जो स्टोन के क्रिस्टल्स है वो उसका फॉर्मेशन लेते हैं, वो हमारी किडनी में बनाते हैं, स्टोन बनाते हैं, जो कि कम पानी पीने से बनते हैं। अनदर वन इज टेकिंग मोर कैल्शियम और सॉल्ट इन डाइट। आप ज़्यादातर मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट डेली ले रहे हैं तो उससे भी स्टोन बन सकता है, ज़्यादातर सॉल्ट ले रहे हैं आपकी डाइट में तो उससे भी आपको किडनी स्टोन बन सकता है, और हमारी बॉडी में मिनरल्स की मात्रा कम हो जाने से भी किडनी स्टोन बनता है। तो ये उसके कॉजेज़ हैं। अनदर कॉजेज़ में हम देखें तो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे रहेगा
कम मात्रा में अगर हम पानी पी रहे हैं तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन रहेगा। देन एक्सेसिव जंक फूड इन डाइट, यानी कि आप फास्ट फूड ले रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ऐसे ले रहे हैं जिसके कारण आपको किडनी स्टोन बन सकता है। आपकी कोई फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री है जो कि आपको प्रीवियस में किडनी स्टोन रह चुका है। टेकिंग मोर कैल्शियम बेस्ड एंटासिड एंड डाइट्री सप्लीमेंट्स, यानी कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम का प्रमाण ज़्यादा है, तो उससे भी आपको किडनी स्टोन बनने के चांसेस रह सकते हैं। अगर आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स ये जो है वो आपका हाई रहता है, जिसके कारण आपको ओबेसिटी यानी कि वेट गेन होने की संभावना रहती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है वो BMI की इंडेक्स है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अगर आप अंडर वेट है तो आपका वेट और आपका जो BMI है वो बिलो 18.5 रहेगा। अगर आपका BMI नॉर्मल है तो उसकी रेंज है 18.5 टू 24.9। अगर आप ओवरवेट है तो उसका BMI रहता है 25.0 से लेके 29.9। अगर आप ऑब्सेस हैं तो उनका BMI रहता है 32-34.9। एंड अगर आप एक्सट्रीमली ऑब्सेस है तो वो रहता है ग्रेटर देन 30.5, यानी कि 35 से इंक्रीज। यानी कि अगर आपका BMI ओवरवेट से ज़्यादा हो रहा है, 25 से ज़्यादा है, तो आपको किडनी स्टोन बनने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। अगर आपके कोई डाइजेस्टिव डिजीज़ है, यानी कि स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है, उस सर्जरी के कारण कुछ आप ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिसके कारण आपको किडनी स्टोन बन सकता है। आप अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं और सोडियम यानी कि शुगर एंड सॉल्ट उसका जो प्रोपोर्शन है वो आपके खाने में ज़्यादा ले रहे हैं, डेली रूटीन में ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको किडनी स्टोन की बीमारी हो सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं। अगर किडनी स्टोन बन रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? तो सबसे पहले आपको पेन और बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग, जब भी आप यूरिन करने जाते हो तब भी आपको यूरिन यानी कि पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब में पेन हो सकता है, पेशाब के अराउंड जो यूरेथ्रा का जो पार्ट है वहाँ पे आपको स्वेलिंग रह सकती है, डार्क कलर का यूरिनेशन और यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, सीवियर पेन रहता है आपको आपकी बैक साइड ऑफ किडनी में, आपको सीवियर और शार्प पेन रहता है जब भी आप यूरिनेशन कर रहे हो, जब भी आपकी डाइजेस्टिव जो ट्रैक है वहाँ पे आपको पेन रह सकता है। जब भी आप यूरिन करने जाओगे तब आपको यूरिन में क्लाउडी फॉर्मेशन लगेगा और यूरिन में से बदबू वाली स्मेल आने लगेगी। देन आपको नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है उसके कारण, एंड फीवर एंड चिल ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि जब भी आपको UTI यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होगा तो उसके कारण आपको फीवर्स एंड चिल्स जैसी कंडीशंस रहेगी। तो ये जो सारे हैं वो उसके सिम्टम्स हैं। अब किडनी स्टोन के डायग्नोसिस के बारे में सीखें। अगर आपको किडनी स्टोन हुआ है तो किडनी स्टोन होने के बाद उसकी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको किडनी स्टोन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, देन यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट में हमने सीखा क्लाउडी फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है, फाउल स्मेल आ रही है उसमें से। इमेजिंग टेस्ट हो सकता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन से भी पता चल सकता है, एब्डोमिनल एक्सरेस ले सकते हैं, देन एनालाइज ऑफ पास्ट स्टोन फॉर प्रिवेंशन ऑन स्टोन इन फ्यूचर, यानी कि आपका जो स्टोन है वो पासिंग हुआ है तो उस स्टोन का भी एग्जामाइन करवा सकते हैं, और सिटी स्कैन है तो उसका भी आप डायग्नोसिस ले सकते हैं। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो किडनी स्टोन के हैं। अब प्रिवेंशन के बारे में देखें कि किडनी स्टोन से बचा कैसे जा सकता है, उसकी प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं। तो आप
के रूटीन में आपको ज़्यादा पानी पीना है, यानी कि एवरेज आपको 5 से 7 लीटर पानी दिन में पीना है, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और जो डार्क यूरिनेशन की प्रॉब्लम है वो ना हो। टेक लेस कैल्शियम एंड सॉल्ट इन डाइट। आप ज़्यादातर सॉल्ट ले रहे हैं तो उसके कारण आपको किडनी स्टोन हो रहा है, तो हमें हमारे डाइट में कैल्शियम एंड सॉल्ट की मात्रा कम कर देनी है। डू नॉट स्टॉप यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि जो लोग हैं वो पेशाब रोक रहे हैं यूरिन करने से पहले, तो उनको पेशाब नहीं रोकना चाहिए। पेशाब रोकने से क्या होगा कि पेशाब में जो कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन के कारण आपको किडनी स्टोन बन रहा है। अगर आप यूरिन रोक रहे हो तो किडनी में वो जो स्टोन है वो जमा होता जाएगा, तो हमें क्या करना है, हमारा जो यूरिन है वो पास आउट करवा देना है, यानी कि हमें यूरिन रोकना नहीं है। बी हाइड्रेटेड, आपको पानी पीते रहना चाहिए जिससे कि आप हाइड्रेटेड रहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड जो यूरिन है वो नहीं बनेगा। लिमिटेड जंक फूड इन डाइट, आपका जो जंक फूड है उसमें आपको कम करना चाहिए, उसकी मात्रा कम करनी चाहिए जिससे कि आपको किडनी स्टोन ना बने। एनिमल प्रोटीन जो डाइट है वो आपको कम करनी चाहिए, रेड मीट आपको अवॉइड करना चाहिए। आपका जो बॉडी वेट है वो आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, अगर आपको ओबेसिटी होगी तो ओबेसिटी से भी आपको किडनी स्टोन बन सकता है। तो ये जो सारे प्रिवेंशंस है वो आप किडनी स्टोन के दौरान करवा सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसमें आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए, मेडिसिन का कोर्स चाहिए और एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा और प्रॉपर जो आपका डिजीज़ है उसके बारे में एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी। अब हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जानें कि अगर किडनी स्टोन हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जो कि किडनी स्टोन को ट्रीट करती है। देन पेन किलर्स हैं जो कि आपको पेन हो रहा है, कमर के निचले हिस्से में पेन है, यूरिनेशन करने के समय पेन है, तो वो उसे ट्रीट करता है। देन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स टू प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जब भी आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है यूरिनरी ट्रैक में तो उसे भी वो ठीक करती है। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो किडनी स्टोन के हैं। अब हम देखें कि एंटीबायोटिक भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। देन अल्फा ब्लॉकर्स भी आप ले सकते हैं जो कि स्टोन का पासेज हो रहा है तो उसे वो प्रमोट करता है। इफ़ नॉट क्योर्ड देन सर्जरी टू रिमूव द स्टोन, अगर ये जो सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उससे आपको किडनी स्टोन ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, सर्जरी से थ्रू आप किडनी स्टोन को रिमूव करवा सकते हैं। और आपका जो डेली है रूटीन है उसमें आप लेमन जूस और लेमन वाटर रूटीन में ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो स्टोन है वो ब्रेक डाउन हो। तो चलिए देखते हैं किसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या अवेलेबल है, क्या क्या मेडिकेशंस ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे है क्लियर स्टोन ड्रॉप्स जो कि SBL कंपनी बनाती है, होम्योपैथिक ड्रॉप्स है। तो ऑप्शन नंबर 1 में उसका जो डोज है वो 10 to 15 ड्रॉप्स इन हाफ कप वाटर 3 times इन अ डे, यानी कि दिन में आपको 3 बार 10 to 15 जो ड्रॉप्स है वो हाफ कप ऑफ वाटर में डाल के पी जाने हैं। देन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एलन की कैलक्यूली ड्रॉप्स है, यानी कि वो भी स्टोन क्लियर ड्रॉप्स रहेगी। A37 जो उसका नाम है, ब्रांड नेम रहेगा, तो 8 to 10 ड्रॉप्स आपको हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार लेने हैं। उसके बाद है हिमालय की सिस्टोन टैबलेट जो कि 60 के पैक में अवेलेबल है, तो आपको 2 टैबलेट दिन में 2 टाइम लेनी है, यानी कि 2 टैबलेट सुबह में और 2 टैबलेट रात में। देन उसके बाद सिस्टोन 4 टैबलेट आती है, तो ये भी है वो 30 के पैक में अवेलेबल रहती है, तो इसका भी सेम डोज रहेगा, 2 टैबलेट रात में और 2 टैबलेट सुबह में। उसके बाद सिस्टोन SF हिमालय की सिरप आती है, तो ये जो सिरप है वो 5 ml आप दिन में 3 बार ले सकते हो। ऑप्शन नंबर 6 जो है वो नेरी KFT शुगर फ्री सिरप है, तो ये सिरप भी आप दिन में 5 ml 3 times ले सकते हो।
यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि हम उसे हिंदी में सिखाते हैं। तो उसमें हम कवर करते हैं कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज एंड दवाइयाँ, जो कि आप इसी चैनल पर सीखते हैं। अगर आपको इसका प्रॉपर कोर्स चाहिए, मेडिकेशन कोर्स चाहिए, आपको डिजीज़ के बारे में और भी डिटेल में जानना है, तो हमारा एक कोर्स है जो कि फार्मारोक्स ऐप पे अवेलेबल है, आपको गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा और जो एप्पल स्टोर है वहाँ से भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारा जो कोर्स है एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देन ऑप्शन नंबर 7 जो है वो पेन किलर है, जो कि एबिलिटी उसकी ब्रांड नेम है, एबोट कंपनी बना दी है। तो उसका जो कंपोजिशन है पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनाक पोटेशियम एंड सेराटियो पेप्टिडेस। तो ये जो है वो आपको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं आप। देन उसके बाद ओफ्लोक्स ओजेट जो आती है टेबलेट, वो एक एंटीबायोटिक है, तो ये एक एंटीबायोटिक का भी ऑप्शन है, तो दिन में 1 से 2 टेबलेट आप ले सकते हैं। उसके बाद है यूरिन ट्यूब डायलेटर, हमारी जो ट्यूब है यूरिनरी उसे डायलेट करने से क्या होगा कि जो स्टोन जमा रहे हो रहे हैं वो इजीली पास आउट हो जाएगा। तो ये जो है उसका जो कंटेंट है टैम्सुलोसिन, ये एक प्रॉपर कैटेगरी की मेडिसिन है जो कि आपके स्मूथ मसल से यूरिनरी ट्रैक की उसे वो रिलैक्स करता है एंड किडनी जो स्टोन है उसे पास करने में हेल्प करता है। तो ये जो है वो 0.2 mg में इनफ डोज है, आपको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स। देन ऑप्शन नंबर 10 जो है वो लेमन जूस और लेमन वाटर है। तो लेमन जूस क्या करता है, उसमें विटामिन सी आता है एंड साइट्रिक एसिड आता है, जो कि आपको किडनी स्टोन जो है उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। साइट्रेट जो है वो साइट्रिक एसिड का सॉल्ट है, जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड होके आपकी जो स्टोन जमा हो रहे हैं उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। एंड ये जो है वो आप डेली रूटीन में ले सकते हैं, जो कि आपको किडनी जो स्टोन बन रहे हैं उससे आपको प्रिवेंशन मिलेगा और आपको बहुत सारी बेनिफिशियल जो अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसे भी वो ट्रीट करता है। अब द लास्ट ऑप्शन इज किडनी स्टोन सर्जरी। सर्जरी का नाम है लिथोट्रिप्सी। तो ये जो सर्जरी है वो उसमें क्या होता है, सो क्वेव्स टू ब्रेक अप स्टोन, यानी कि अगर आप यहाँ पे समझें तो किडनी स्टोन यहाँ पे किडनी में हमारे जमा हो रहे हैं, तो उसे सर्जरी से कैसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स आपके किडनी की ओर जाएंगे, वो ये जो स्टोन है उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये जो स्टोन है उसका ब्रेक डाउन हो गया। तो ये जो स्टोन है वो वाया यूरिनरी जो ट्रैक है उसके थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो शोक वेव्स है वो ब्रेकअप द स्टोन यूरेटर, यानी कि किडनी में से यूरेटर में आ गए, यूरेटर में आने के बाद वो ब्लैडर में आएंगे, ब्लैडर से वो यूरेट्रा के थ्रू पास आउट हो जाएंगे। तो ये जो सारे ऑप्शंस है वो किडनी स्टोन के हैं, तो ये ट्रीटमेंट आप किडनी स्टोन में ले सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसी ही डिजीज के बारे में आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप भी कर सकते हैं। मेरी एक दूसरी चैनल भी है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।